दोस्तों दूसरा वनडे हारने के बाद रोहित शर्मा आए प्रेजेंटेशन में और कुछ बातें कही उन्होंने हार के बारे में कि आप किन किन वजहों से टीम इंडिया दूसरा वनडे हारी है और कहां कहां पर किस किस मोमेंट पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा जिससे एक कलेक्टिव हार मिली भारतीय टीम को। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी मुकाबला हारते हैं तो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, यानी निराशाजनक होता है हार मिलना आपको। दूसरी चीज उन्होंने कही कि हमने अपने आप को बल्लेबाजी से इतना खास अप्लाई नहीं किया, अप्लाई से उतना मतलब था कि इतना इंटेंस शो नहीं करा जितना करना चाहिए था बल्ले से। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा विकेट था ये सिर्फ 117 रन पहली इनिंग में बनाने वाला विकेट नहीं था और यहाँ पर और भी ज्यादा रन बन सकते थे अगर आप वो एक इंटेंट शो करते, अगर आप अपने आप को बल्ले से अप्लाई करते और भी ज्यादा गेंद की मेरिट पर खेलते। और साथ ही साथ उन्होंने एक अहम बात ये बोली कि शुभमन गिल जब पहले ओवर में आउट हुए फिर उसके बाद विराट ने और मैंने, यानी विराट ने और रोहित शर्मा ने 30-35 रन जोड़े, फिर उसके बाद रोहित का विकेट गिरा, फिर उसके बाद लगातार बैक टू बैक विकेट गिरते गए, इस वजह से हम जो है बैकफुट पर चले गए और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बैकफुट पर धकेल दिया जिसकी वजह से हमारे जो है लगातार बैक टू बैक विकेट गिरे। और जो हमारे बैक टू बैक लगातार विकेट गिरे उसका सबसे बड़ी चीज यही थी, यानी उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम जो है अपने आप को बल्ले से अप्लाई नहीं कर पाए। और अगर आप इस चीज की तह तक जाएं कि बल्लेबाजी से अप्लाई क्यों नहीं कर पाए तो शुभमन गिल गेंद को की बाहर बाहर की गेंद को छेड़ देते हैं। नए आए हैं आप क्रीज पर, थोड़ा वक्त बिताइए, आपको पता है गेंद मूव कर रहा है। मिचेल स्टार्क जो हैं ऐसे बॉलर हैं कि गेंद को दोनों तरफ मूव करवाते हैं, लगातार वो एंगल करते हैं अंदर गेंद को, फिर उसके बाद अचानक से एक गेंद बाहर डाल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और मिचेल स्टार्क के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत सक्सेसफुल है शुभमन गिल, उनको पता है। पर लेकिन फिर भी पिछले वनडे में भी, यानी पहले वनडे वानखेड़े में भी शुभमन गिल बाहर की गेंद को छेड़ते हैं, पॉइंट पर कैच होते हैं। आज भी वो पॉइंट पर कैच होते हैं, बाहर की गेंद को छेड़ते हैं। रोहित शर्मा भी इतना अच्छा खेलते खेलते सीधी लाइन में बाहर की गेंद को छेड़ देते हैं, वो वैसे आउट हुए। विराट कोहली इतना बढ़िया खेलते, इतना बढ़िया स्टार्ट मिला उनको, 31 रन उन्होंने बनाए और फिर वो जो है नेथन एलिस आ जाते हैं, उनकी गेंद जो है पड़ के स्किड होती है और विराट कोहली जो है LBW हो जाते हैं। क्या वजह रही, सीधे बल्ले से नहीं खेला बल्कि क्रॉस बैटेड शॉट खेल दिया, फ्लिक मारने चले गए स्क्वायर लेग की तरफ, उसको गेंद को दिशा दिखाने चले गए, सीधी गेंद सीधे बल्ले से रुक जाती, लेकिन नहीं, आपको रन बनाने हैं, आप क्रॉस बैटेड शॉट खेलिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सबर कीजिए। सूर्य कुमार यादव पहले वनडे पे भी फेल, आज भी फेल, 4 नंबर की स्टेबिलिटी किसी ने नहीं दी और लगातार जो है निचले क्रम पर प्रेशर आता गया। अक्षर बेचारे एंड में क्या करें, उनके पास कोई बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाज टेल एंडर है उनके सामने, वो किसके साथ पार्टनरशिप करें। और उसके बाद उन रोहित शर्मा ने जो है मिचेल स्टार्क की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क के क्वालिटी बॉलर हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से नई नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते आए हैं बहुत सालों से और अब भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है कि जिस हिसाब से वो एक लाइन पकड़ के डिसिप्लिन गेंदबाजी करते हैं, गेंद को एंगल करके अंदर लेकर आते हैं और साथ में एक ऑड बॉल ऐसी होती है जो पढ़ के बाहर जाती है, वो हमें समझने में थोड़ी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आई उस गेंद को समझने में और वहीं हम फंसे और वहीं पर उन्होंने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। जो 5 विकेटें ली हैं 5 विकेट हॉल के मिचेल स्टार्क ने वो काबिले तारीफ था। साथ ही साथ उन्होंने मिचेल मार्श की भी तारीफ करी कि मिचेल मार्श जो है हम जानते ही हैं कि कितने अच्छे हिटर हैं और बिल्कुल T20 के अंदाज के प्लेयर हैं और जो है जबरदस्त वो हिटिंग करना जानते हैं और पावर हिटिंग तो जबरदस्त की है इन मुकाबलों में और पहले भी कई बार करते आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जो है लगातार जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उम्मीद है कि आगे करते भी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अपने ऊपर भरोसा है मिचेल मार्श को, अपने आप को बैक करते हैं मिचेल मार्श और ऐसी बल्लेबाजी करने के लिए और जो भरोसा करेगा उसके लिए जो अपने लिए उनका रिजल्ट निकलेगा ही। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वर्ल्ड में डेफिनेटली 3 या 4 नंबर पे हैं पावर हिटिंग के मामले में मिचेल मार्श। तो ये सब कहना है रोहित शर्मा का। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बल्लेबाजी को ढंग से अप्लाई नहीं किया ऐसी विकेट पर, ये विकेट थी ना ये 117 रन बनाने वाली और यहाँ पर और भी ज्यादा रन बनने थे, इस हमने अप्लाई नहीं करा तो इस वजह से रन नहीं बने, आपने अपनी जो है टेक्निकल गलतियों की वजह से विकेट खोए हैं ये कौन देखेगा। खैर आप भी इस बारे में जो है आपके दिमाग में सही बयान आता है इस बारे में या आपके अपने ओपिनियन जरूर जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।